जनपद हापुड़ के बाबूगढ़ के वनखंडा में स्थित एक एकेडमी में शासन द्वारा चलाए गए मिशन शक्ति फेज 4 अभियान के तहत रिपोर्टिंग महिला पुलिस चौकी से अंकित तोमर आरती शर्मा ने हेल्पलाइन नंबर के बारे में सभी को जागरूक किया, जिसमें पॉक्सो एक्ट, दहेज उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न आदि के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान जागरूक करते हुए बताया कि शासन द्वारा चलाई गई 10 90 10 98 181 112 108 102 10 76 महिला हेल्पलाइन, साइबर क्राइम हेल्पलाइन आदि की जानकारी दी गई। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि गरीब लोगों को वो खाना मिल जाए। आज यहाँ जो मिशन शक्ति फेसबुक के प्रोग्राम के लिए आप लोगों को बताने के लिए आए थे, तो जो चीजें आपको बताई, क्या इन नंबरों को आप लोग यूज करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे? कौन कौन से नंबर बताए प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिएगा। और एक ये भी चीज है, यदि किसी के यहाँ शादी वगैरह में खाना वगैरह बचता है तो आप 1098 पर कॉल करेंगे, तो जो बच्चे निराश्रित हैं जिनके परिवार में कोई नहीं है, तो वो लोग खाना आपको कॉल करने पर बताएंगे कि सर हमारे खाना शादी में बचा था और अच्छे से हमने पैक करा के रख दिया, तो जो बच्चे गरीब हैं आप उन्हें ये खाना मुहैया करा सकते हैं। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि गरीब लोगों को वो खाना मिल जाए। आज यहाँ जो मिशन शक्ति फेसबुक के प्रोग्राम के लिए आप लोगों को बताने के लिए आए थे, तो जो चीजें आपको बताई, क्या इन नंबरों को आप लोग यूज करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे? कौन कौन से नंबर बताए प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिएगा। और एक ये भी चीज है, यदि किसी के यहाँ शादी वगैरह में खाना वगैरह बचता है तो आप 1098 पर कॉल करेंगे, तो जो बच्चे निराश्रित हैं जिनके परिवार में कोई नहीं है, तो वो लोग खाना आपको कॉल करने पर बताएंगे कि सर हमारे खाना शादी में बचा था और अच्छे से हमने पैक करा के रख दिया, तो जो बच्चे गरीब हैं आप उन्हें ये खाना मुहैया करा सकते हैं। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि गरीब लोगों को वो खाना मिल जाए। यहाँ जो मिशन शक्ति फेसबुक के प्रोग्राम के लिए आप लोगों को बताने के लिए आए थे, तो जो चीजें आपको बताई, क्या इन नंबरों को आप लोग यूज करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे? कौन कौन से नंबर बताए प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिएगा। और एक ये भी चीज है, यदि किसी के यहाँ शादी वगैरह में खाना वगैरह बचता है तो आप 1098 पर कॉल करेंगे, तो जो बच्चे निराश्रित हैं जिनके परिवार में कोई नहीं है, तो वो लोग खाना आपको कॉल करने पर बताएंगे कि सर हमारे खाना शादी में बचा था और अच्छे से हमने पैक करा के रख दिया, तो जो बच्चे गरीब हैं आप उन्हें ये खाना मुहैया करा सकते हैं। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि गरीब लोगों को वो खाना मिल जाए। यहाँ जो मिशन शक्ति फेसबुक के प्रोग्राम के लिए आप लोगों को बताने के लिए आए थे, तो जो चीजें आपको बताई, क्या इन नंबरों को आप लोग यूज करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे? कौन कौन से नंबर बताए प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिएगा। और एक ये भी चीज है, यदि किसी के यहाँ शादी वगैरह में खाना वगैरह बचता है तो आप 1098 पर कॉल करेंगे, तो जो बच्चे निराश्रित हैं जिनके परिवार में कोई नहीं है, तो वो लोग खाना आपको कॉल करने पर बताएंगे कि सर हमारे खाना शादी में बचा था और अच्छे से हमने पैक करा के रख दिया, तो जो बच्चे गरीब हैं आप उन्हें ये खाना मुहैया करा सकते हैं। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि गरीब लोगों को वो खाना मिल जाए।